अंदर की तस्वीरें हैं, ऐसा पूरा गोला गोला घूम के, और वैसा जैसा ही पूरा वैष्णो देवी का टू कॉपी यहाँ पे बनाया गया है। अंदर आने पे ऐसे गुफा टाइप बना हुआ है, आप चाहे तो इस तरफ से आप जा सकते हैं। कहा गया है कि अगर माता रानी का दर्शन आप करते हैं, अगर भैरवनाथ का दर्शन आप नहीं करते हैं, तो आपकी यात्रा, आपका दर्शन अधूरा रहता है। और इधर नीचे उतरने पे आपको नौ देवी देवताओं के, नौ दुर्गा के आपको दर्शन होंगे। तो आइए नौ देवियों के आपको दर्शन नीचे की तरफ चल के कराते हैं। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी हमें श्री वैष्णो माता मंदिर में, तो आइए चलिए चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं और आपको बताते हैं कि इस मंदिर में कैसे आना है, मंदिर कहाँ पे है और इसका टाइमिंग क्या है। तो आइए चलते हैं, पहले आपको दर्शन कराते हैं। ये सामने की तरफ मंदिर देख रहे हैं आप। मंदिर के अंदर आप जैसे ही इंटर करेंगे, इधर आपको सूज निकालने हैं और सूज निकालने के बाद आएंगे आप। अगर आपके पास बेल्ट लगाए हुए हैं तो यहाँ पे निकाल देना है। अगर आपका बैग है तो बैग आपको यहाँ पे रख देना है और इस तरफ आपको चलना है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर। ये यहाँ का टाइमिंग लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे क्या क्या, किस टाइम पे आरती होती है, किस टाइम पे मंदिर ओपन होता है, किस टाइम पे बंद होता है, यह पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा है। और मंदिर पे अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको सामने देखने को मिलेगा, यहाँ पे दो शेर यहाँ पे सामने आपको दरवाजे पे देखने को मिलेंगे। मंदिर बहुत खूबसूरत बनाया है। आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको वैष्णो देवी जैसी फीलिंग आएगी। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, पूरा देखिए जैसे वैष्णो देवी में बनाया गया है, पूरा उसी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। तो अंदर आप चलते रहते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें, ऐसा पूरा गोला गोला घूम के, और वैसा जैसा ही पूरा वैष्णो देवी का टू कॉपी यहाँ पे बनाया गया है। अंदर आने पे ऐसे गुफा टाइप बना हुआ है, आप चाहे तो इस तरफ से आप जा सकते हैं। यह इसके आगे भी एक गुफा बनाया है, आगे एक रास्ता आगे की तरफ भी है, आप उधर से भी चल सकते हैं। उधर से आप आएंगे तो इधर आप निकलेंगे, और इसके अलावा इसके आगे से भी रास्ता है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ आप आते हैं तो इधर एक शेर जी बनाए गए हैं, तो पहले इनका आप दर्शन करिए, उसके बाद ये मंदिर की गुफा है। इस गुफा के अंदर माता वैष्णो जी का मंदिर है। तो ये है उधर का रास्ता, इधर दीपक जल रहा है, और देखिए इसके अंदर बहुत झुक के जाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का रास्ते हैं, और इसके अंदर पूरा एकदम झुक के जाना पड़ता है। और जैसे वैष्णो देवी में नीचे गंगा जी बहती हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको जल बहता हुआ देखने को मिलेगा, हालांकि ये आर्टिफिशियल है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ऐसे झुक के यहाँ से आना पड़ता है। जैसे आप इधर से आते हैं, इधर सामने है माता जी का मंदिर, आप लोग यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियल बनाया गया है, गौ माता के मुंह से गंगा जल प्रवाहित हो रहा है। इधर पीछे की तरफ गणपति बप्पा का और इस तरफ हनुमान जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। इधर आने पे इधर सामने शिव जी का, श्री महाकाल जी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी आपको दर्शन करना है। और इनके पीछे माता पार्वती, गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारी देव देवताओं के यहाँ पे मंदिर हैं। और यहाँ पे श्री महाकाल जी का एक शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। और उसके जस्ट पीछे यहाँ पे श्री भैरवनाथ जी का मंदिर यहाँ पे बना है, और यह है भैरवनाथ जी की मूर्ति, और इसके ऊपर भी एक मूर्ति है, वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सॉरी,
ये है ऊपर मंदिर के ऊपर जाने के सीढ़ियाँ, और इन्हीं रास्तों से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ आएंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे कि आपको यहाँ पे श्री भैरवनाथ का मंदिर और हनुमान जी का यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर माता रानी का दर्शन आप करते हैं, अगर भैरवनाथ का दर्शन आप नहीं करते तो आपकी यात्रा, आपका दर्शन अधूरा रहता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर आके भी दर्शन करना चाहिए। ऊपर से आप दर्शन करके आएंगे, जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो इधर भी एक ऐसी ही पतली सी गली बनाई गई है, और इधर नीचे उतरने पे आपको नौ देवी देवताओं के, नौ दुर्गा के आपको दर्शन होंगे। तो आइए नौ देवियों के आपको दर्शन नीचे की तरफ चल के कराते हैं। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पे गुरुद्वार दिखेगा, यहाँ पे सारे गुरुओं का मूर्ति स्थापित किया गया है। उसके बाद आप आगे की तरफ चलेंगे तो आगे आपको यहाँ पे नौ देवियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सारे देवियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देवियों के नाम यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और बाकी देवियाँ इस तरफ, आप आधा देवियाँ उधर है और आधा देवियाँ इधर आपको देखने को मिलेंगी। सारे देवियों के नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नौ माता रानी का दर्शन करने के बाद आप आगे की तरफ जैसे बढ़ेंगे, आगे आपको माता काली का दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पे माता काली का मूर्ति बनाया गया है, बहुत ही प्यारा और सुंदर मूर्ति देखने लायक है, आप लोग यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार आके विजिट जरूर करें। अभी हम मंदिर से दर्शन करके बाहर की तरफ निकल चुके हैं, तो अभी आपको बताते हैं कि यह मंदिर कहाँ पे है। यह मंदिर, तो यह मंदिर है मलाड ईस्ट में, स्टेशन से मात्र 5 मिनट की दूरी पे है। अगर आप चाहें तो पैदल आ सकते हैं, या किसी रिक्शे वाले को बोलेंगे तो वो भी आपको छोड़ देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 मीटर की दूरी पे है, तो आप लोग यहाँ पे पैदल भी आ सकते हो। आप यहाँ पे जैसे आएंगे ना, तो इसी जगह पे आपको बैग अपने रखने हैं। अगर आप चमड़े के आप बेल्ट लगाए हैं तो आपको बेल्ट को यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे ये काका मिलेंगे, और यहीं पे आपको अपने शूज आपको उधर रख देने हैं, बैग वगैरह आपको इधर रखना है। और यहाँ पे प्रसाद है, आप प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं, ये काका यहाँ पे आपको हमेशा मिलेंगे। तो भाई लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय माता दी।